हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकोस्टल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आई एम कविता एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम गवर्नेंस क्या होती है, क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो गवर्नेंस रेफर्स टू द पॉलिसीज दैट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट और डायरेक्ट हाउ पीपल कैन एक्ट। तो जो पॉलिसीज ये डिफाइन करें कि कैसे पीपल को एक्ट करना है, उनको डायरेक्ट भी करें और फिर उनको रिस्ट्रिक्ट करें, कंट्रोल भी करें उनकी एक्टिविटीज को इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिक्स, तो वो होता है हमारा गवर्नेंस। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या है, फिर जो ये गवर्नेंस है इसके कंसेप्ट को कॉर्पोरेट्स में एस्टेब्लिश करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। तो इसलिए इट इज ए होलिस्टिक कंसेप्ट विच इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं कंपनीज में, जैसे कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स या फिर कस्टमर्स और इम्प्लॉयज, सबके इंटरेस्ट को कंसीडर करना। नेक्स्ट, एक्शन प्लान्स और इंटरनल कंट्रोल टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो अब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट मींस अकम्प्लिशिंग द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिस्टमैटिक एंड कोहेसिव मैनर। इट फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जो हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है कि जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, जो टारगेट ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको कैसे सिस्टमैटिक वे में अचीव किया जा सकता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो डिस्क्लोजर है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, उसको मेंटेन रखना। लेकिन जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है इसका मेन फोकस किस चीज़ पे है कि कैसे भी करके जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसी के अंदर हमारे जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अकम्प्लिश करना। तो इसी से हमारा इनके बीच डिफरेंस का बेस स्टार्ट हो जाता है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है इट इज़ द गवर्निंग बॉडी डील्स विद डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इट पर्टेन टू प्रोवाइड विजन एंड डायरेक्शन फॉर लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी। देखो, मैनेजमेंट के थ्रू हम डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं और जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी चाहिए है, विजन चाहिए है लॉन्ग रन के लिए, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम इंटरनल कंट्रोल के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करते हैं और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही प्रोटेक्शन फील ना करेंगे, जो इम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेक्शन फील ना करेंगे, तो बिजनेस जो है वो सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। नाउ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न विद द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज फॉलोइंग द एथिकल प्रैक्टिसेस। यानी कि ये जो है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंट्रोल एंड सुपरविजन के लिए है ताकि जो एक्टिविटीज हैं बिजनेस में वो सभी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जो पर्पस है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का वो क्या है, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस एंड रिटर्न। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पर्पस क्या है, टू प्रमोट एंड री एनफोर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ करंट एंड फ्यूचर स्टेक होल्डर्स। यानी कि जो
अब करंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी प्रमोट करना और रीएनफोर्स करना, और जो फ्यूचर में स्टेक होल्डर्स होंगे उनको भी, अगर करंट वाले स्टेक होल्डर्स हैं वो ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फ्यूचर में कोई होगा ही नहीं स्टेक होल्डर, यानी कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आना पसंद ही नहीं करेगा अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं करते होंगे तो इसलिए ये दोनों करंट और फ्यूचर स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करता है, उनके कॉन्फिडेंस को, और उनको मेंटेन करके रखता है, उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज इन ए प्रॉपर वे, बट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट थिंग्स आर डन इन एन एथिकल वे, यानी कि मैनेजमेंट के लिए तो प्रॉपर वे में होनी चाहिए जिससे हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो सके, हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, यही प्रॉपर वे है। लेकिन गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या है मेन रोल की एथिकल वे में होनी चाहिए एक्टिविटीज, जो हैंड ऑन और हैंड ऑफ एक्टिविटीज है। ये क्या है कि जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वो हैंड ऑन एक्सरसाइज है, यानी कि ये इंटरनल पार्टी से रिलेटेड है, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये हैंड ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि ये एक्सटर्नल पार्टीज से रिलेटेड है। इसमें हम इंटरनल जो पार्टीज हैं उनके बेनिफिट्स को देखते हैं, इंटरनल पार्टीज यानी कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या ओनर्स, ये देखते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हो रहे हैं नहीं हो रहे, कैसे हम बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये स्पेसिफाई करता है कि जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वैसे दोनों के लिए करता है कि उनके भी जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है स्कोप, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो हमने देख ही लिया कि इंटरनल से रिलेटेड है, तो इसका जो स्कोप है वो भी लिमिटेड है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोप वाइडर है। जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वो सिर्फ जो बिजनेस और ऑपरेशन लीडरशिप है उससे रिलेटेड है, लेकिन गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ ओवरऑल लीडरशिप, क्योंकि इंटरनल की भी लीडरशिप और एक्सटर्नल की भी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस ही कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।